हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सरसाइज का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे, जैसा अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सीखेंगे कि सुमिता अरोड़ा क्लास 11 का चैप्टर कंडीशनल एंड इंटरैक्टिव स्टेटमेंट का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले क्वेश्चन के हम वीडियो अपलोड कर दिए, आप जाके हमारे देख सकते हैं, हमारे चैनल में यूज करके प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। तो दोस्तों बिना चलिए समय गवाए चलिए वीडियो देख लेते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम है जैसे कि हम लोग आइडियल पाइथन को ओपन करते हैं, आइडियल पाइथन ओपन कर लिए, देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, हैट लगा के कमेंट लिखते हैं, तो कमेंट को हम ऐसे क्वेश्चन लिख ले रहे हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू सम द जीन सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो ना ये जो ये सब ये है इन सबको सम कर सके दोस्तों। चलिए देख लेते हैं किसको सम करना है भाई। तो ए पहला पार्ट है 2/9 -5/13 +18/17 .. 7 टर्म तक करना है, ये कौन से टर्म है, 1, 2, 3 चार टर्म वन होने चाहिए दोस्तों। पहले दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले ए को पढ़े हैं, तो पहले ए सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए फिर 2 सॉल्व करें दोस्तों, क्या कुछ ज़्यादा किया है आंसर देखने ए का। तो दोस्तों देखिए यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, स्टार्टिंग क्या है 2 और डिनोमिनेटर हम बी को ले रहे हैं 9 ठीक। सम एक मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया जहाँ पे 2/9 कर दिया, 2/9 कर दीजिए यानी तो ए बाई बी कर दीजिए, दोनों में उसको एक कर दीजिए दोस्तों, आपका मन चाहे जो करना है कर दीजिए दोस्तों। ए बाई बी कर देंगे तो सब वो भी चले क्योंकि इस समय तो यूनिट की यही रहेगी ना भाई। सम एक सम नाम का मैंने वेरिएबल लिया ठीक, फिर एक लूप चलाया 6 बार ठीक, 6 बार यहाँ क्यों लिखा है क्योंकि देखिए 7 टर्म है और ये लूप चलेगा तो 0 से लेके चलेगा, क्या 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 कहाँ दोस्तों 0 से लेके चलेगा 0 से 6 तक ठीक है दोस्तों। तो हो जाएंगे 7 नहीं 5 तक चलेगा दोस्तों, एक कम रहेगा 6 तक चलेगा सॉरी, तो 0 को भी प्लस करना 6 6 बार चलेगा दोस्तों। पर देख सकते हैं दोस्तों एक तो ये आपको जीवन दिया हो ठीक है, मैं हम इसको मान लिए इसलिए दोस्तों हम सिर्फ 5 ही बार चला रहे हैं दोस्तों। अब क्या किया ये देख सकते हो दोस्तों ये न्यूमरेटर में हमेशा 3 प्लस होते जा रहा है ठीक दोस्तों, जो नंबर है उसमें 3 प्लस हो रहा है दोस्तों ठीक ना, देख सकते हो। फिर b इक्वल टू मैंने लिया b+4, इसमें देखिए नंबर जो है उसमें 4 प्लस हो जाएगा, फिर 13 में 4 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा दोस्तों, ऐसे न्यूमरेटर में भी है ठीक दोस्तों। एक दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है 18 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा दोस्तों, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं भी, यहाँ 8 होगा दोस्तों कि 5 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, आप इसको मिसप्रिंट हो गया तो समझ लीजिएगा दोस्तों ठीक। फिर यहाँ देखिए हर जगह देखिए माइनस का साइन चेंज हो रहा है, अब तो ये हमारा समझ में आ गया कि ये डिवाइड होगा, ये हमेशा होगा देख सकते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, ये क्या नॉट है, इस नोटेंगे को सुलझाने के लिए क्या किए i% 2 अगर 0 हुआ, परसेंट क्या होगा रिमाइंडर, अगर 2 डिवाइडेड बाय पूरे यहाँ एक इवन नंबर आ तो हमेशा 0 आएगा, तब क्या करेंगे दोस्तों सम इक्वल टू सम माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है अगर हम लेके चले तो ये 0 है हमारा ठीक, ये 0 है ठीक और ये हमारा 1 है, आई में देखें तो आई की पहले वैल्यू क्या है 6 लिया हो तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 0, जब 0 करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा कि इक्वल टू 0 इसमें प्लस 3 हो जाएगा तो ये 15-13 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी की 15-13 पर याद रखिए दोस्तों, मैंने माइनस का सिंपल लगा दिया कि अगर 0 आ गया तो 0 जीती तो देख सकते हैं आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान समझेंगे तो सभी समझ में आएगा। फिर क्या किया सम इक्वल टू सम माइनस ए बाई बी, फिर अगर एल्स में अगर नहीं हुआ तो भाई प्लस कर दो, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए पहले टर्म में
अगर रही वन मान के चलते, देखिए वन को डिवाइड करेंगे तो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस में आया, देखिए प्लस आया ना, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, वन तो आ गया। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, फिर क्या होगा, फ्रेंड सम ऑफ सीक्वेंस इक्वल टू सम, ठीक दोस्तों। अब मैं आपको ये रन करा के दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे रन कराऊंगा इसको। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ, इसको आपने पढ़ाया होगा, मल्टी लाइन कमेंट बना दे रहा हूँ, थ्री थ्री पोजिशन लगा देंगे तो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगी। देखिए मैंने इसको मल्टी लाइन कमेंट बना दिया दोस्तों, फिर बाद में ए को बनाएंगे, ठीक। तो इसको रन करना है आपको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों हमारा सम ऑफ सीक्वेंस ही आ गया दोस्तों, पर आप बोलेंगे कि ये कैसे आया भाई, तो आप ऐसा करिए कैलकुलेशन में इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए अगला अगला क्रम कैसे आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ करके और दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ सम, हर रेंज में यहाँ प्रिंट हो रहा है सम, पर उससे समझ में नहीं आया क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, हर बार सम की वैल्यू प्रिंट होगी इसको, सब पर देख लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा हर बार इसमें, इसमें ऐसे कैलकुलेशन कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे ही आंसर आ जाएगा, इसमें सभी को प्लस कर दीजिए, नहीं जो भी करना है करते जाएंगे दोस्तों, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, हर बार सम मैंने प्रिंट कराया तो ये आंसर आ जाएगा, प्लस लास्ट वाले टर्म को कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको हटा दीजिए दोस्तों, इससे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इससे अच्छा कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर की हेल्प से इन सबको सॉल्व करके एक एक प्लस करके फिर माइनस प्लस जो भी है करके कर देंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब मैं आता हूँ बी, तो बी क्या करेंगे, पहले कोटेशन हटा देंगे दोस्तों, एक कोटेशन बंद कर देंगे दोस्तों अभी, ठीक। मैंने सारे को बंद कर दिया, ठीक। इसको बी को यहाँ हैश लगा दूंगा, ठीक दोस्तों। यहाँ क्या किया, एन इक्वल टू, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या था, सुना भूल गया था, 12 प्लस 32 प्लस 52 प्लस एन इनपुट एन। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कॉमन है, क्या यहाँ देखिए 2 2 2 2, हर में 2 देखिए लास्ट टेंथ वाले टू आ रहा है, देख सकते हैं दोस्तों 2 आ रहा है, और ये पहला नंबर क्या है, ठीक है, इवन उन्हें ऑड नंबर है, 1 से लेके ऑड नंबर है भाई, तो भाई जब तक इनपुट कराएंगे यूजर से, यहाँ इनपुट कराना पड़ेगा, इनपुट एन देखिए दिल से लिखा हुआ इनपुट है, तो अब देखिए देख लीजिए प्रोग्राम, एन इक्वल टू इनपुट इंटर एन टर, यहाँ लिख दीजिए दोस्तों इंटर एन ऑड टर, नहीं तो भाई यूजर कंफ्यूज होगा, इंटर एन ऑड ऑड, ठीक। फिर मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इक्वल टू जीरो कर दिया, फिर देख सकते हैं दोस्तों मैंने रेंज को एन प्लस वन, क्योंकि एक से कम बार चलता है दोस्तों, इसलिए एन प्लस वन बार चलाऊंगा हमेशा, मैं वन से चला रहा हूँ, वन से हमेशा चला रहा हूँ। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस आई इन टू टू, ठीक दोस्तों, क्योंकि हमको इंटर सम निकालना है, देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ सम निकाला है दोस्तों, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वन एन प्लस वन, ठीक। मतलब आई कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 जितना एन रखेंगे वहाँ तक चलेगा दोस्तों, उससे एक जहाँ जो एन की वैल्यू रखेंगे वहाँ तक चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमने प्लस वन किया। फिर सम इक्वल टू सम आई इंटू टू, यहाँ दोस्तों आई इंटू टू, आई का पावर 2 कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ रे सॉरी दोस्तों, यहाँ सिंपल कोटेशन लगाई जा गया, हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ मैंने आई इंटू टू कर दिया, आई इंटू टू कर दिया दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ 2 जो है वो पावर है, यहाँ पावर आइडियल में दिखा नहीं सकते, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पावर नहीं लिखा, यहाँ 2 आइडियल में, वही तो मैं कंफ्यूज, इसलिए दोस्तों देखिए आई का पावर 2 लिखा हूँ मैं एक्सपोनेंट, ठीक। आप देख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया, फिर सम इक्वल टू आई वगैरह वगैरह जैसे और नंबर कर सकता है, ठीक दोस्तों। फिर ब्रिंग सम ऑफ सीक्वेंस, अब मैं आपको रन करा के दिखा दे रहा हूँ, रन करा दिया दोस्तों, और मैंने ऑड नंबर हमको इनपुट करना है दोस्तों, तो हम ऑड नंबर इनपुट करते हैं जैसे कि 5, तो देखिए सम ऑफ सीक्वेंस 55 आएगा, आप कैलकुलेटर चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलूँगा,
देखने से मैं रन करा के एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 91 लेते हैं। चलिए दोस्तों क्योंकि आ गया तो भी पैसन इतना एडवांस है कि सब कर लेता है दोस्तों। मैथमेटिक्स दोस्तों आपके स्कूल जो क्वेश्चन भी कर सकते हैं ऐसे अपने से दिमाग लगा के। अगर क्वेश्चन ना आए तो आपसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं दोस्तों, मैं आपको आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके ये दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।